मनुष्य एक लौता जीव है जिसकी सेरिब्रल कोर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच सेग्रीगेशन है। कहने का मतलब मनुष्य एक लौता बीज है जिसका तर्क अलग है, भाव अलग है। कहने का मतलब कि या तो तुम एक समय पे किसी वस्तु के प्रति तर्क वितर्क कर सकते हो या तुम किसी वस्तु के प्रति भावुक हो सकते हो। कहने का मतलब मनुष्य एक लौता जीव है जिसका भाव और तर्क में अगर कभी लड़ाई होती है तो भाव हमेशा जीतता है। कहने का मतलब कि अगर कभी तुम्हारे भाव और तर्क आमने सामने आए तो उसी समय तर्क हथियार ढाल देगा और भाव की जीत होगी। कभी तुम सोचना, जब मुझे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना होता है मैं अपनी माँ के पास जाता हूं और मैं पूछता हूं, माँ मैं कैसा हूं? और मेरी माँ, ओ तू तो मेरा लाल, मेरा पीला, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। और मुझे पता है सरासर झूठ है ये बात, लेकिन मेरी माँ का भाव है। अब तर्क में मैं कुछ भी बोलूं, तर्क में बोलने वाला बोले कि इसका पेट देखो, सिक्स पैक होनी चाहिए, इसकी तो वन पैक है, इसका रंग देखो, फेयर एंड लवली लगाना चाहिए इसको, तर्क वाला तो कुछ भी बोल देगा। लेकिन एक माँ का भाव हमेशा उसके तर्क को हरा देता है। बोलो मानते हो? हाँ जी ना जी, भाव हमेशा जीतेगा। और इसलिए जब ऋषि मुनियों ने भगवान के चित्र बनाए, कभी आप देखना माँ काली के नीचे भगवान शिव को डाल दिया। शिव क्या दर्शाता है? तर्क, लॉजिक। माँ काली क्या दर्शाती है? भाव। जब तुम्हारा भाव प्रचंड है तो तर्क खत्म है ही नहीं, भाव हमेशा तर्क को हरा देगा। और शिव योगी ये बात बहुत पहले समझ गए थे, बहुत पहले समझ गए कि ये पढ़ाई लिखाई दिव्यता के बारे में बेकार है, केवल एक ही चीज काम आएगी और वो है भाव। तो उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि अगर भाव हमेशा तर्क पर हावी हो जाएगा तो क्यों ना हम एक सकारात्मक भाव का निर्माण करें। क्योंकि देखो एक बात तो पक्की, भाव हावी होगा, नकारात्मक भाव भी तर्क पर हावी होगा। क्यों ना हम सकारात्मक भाव का निर्माण करें, क्योंकि सकारात्मक भाव भी तर्क पर हावी हो जाएगा। और इसके भी कई उदाहरण है। जब एक वैज्ञानिक हवाई जहाज का इजाद करना चाहता था, राइट ब्रदर्स, सकारात्मक भाव है ना कि मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, मैं तो बना के रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है बहुत तर्कवान व्यक्ति उसके पास नहीं गए थे कि ए, कैसे उड़ेगा? गए थे ना? हाँ जी ना जी। लेकिन सकारात्मक भाव भी तर्क पे हावी हो जाता है और उसने बना ही लिया, इजाद कर ही लिया अपने हवाई जहाज का। तुम्हें क्या लगता है जब एक शिव योगी भगवान की राह में निकलता है तो क्या उसको तर्कवान लोग नहीं मिलते? अरे कहां जा रहा है, क्या होता है साधना, कुछ नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है ये तर्कवान लोग गौतम बुद्ध, मार्कंडेय, अष्टावक्र, इन सबके रास्ते में नहीं आए थे? आए थे। लेकिन जिसका सकारात्मक भाव है उसके सामने भी ये तर्क फेल, क्योंकि तर्क बना ही फेल होने के लिए। जिस चीज के प्रति भाव होगा वही भाव जीतेगा। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा भाव प्रबल है, कौन सा भाव मात देगा तर्क को। क्या यह भाव सकारात्मक होगा या यह भाव नकारात्मक? और ऐसा नहीं है ये चीज शिवयोगियों को समझ आए, ये चीज पूरी दुनिया को समझ आ चुकी है। लॉजिक डजंट वर्क। क्योंकि यहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे मैं साधना सिखा रहा था, एक बच्ची खड़ी हुई मुझे कहती है, भैया देखो 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 देखो, आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो बट आई एम ए रियलिस्ट, क्योंकि मुझे ये ख्याली पुलाव बनाने समझ नहीं आते। आई एम ए रियलिस्ट, आई एम वेरी लॉजिकल, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मुझे उस बिचारी की ये बात सुन के उस पर बहुत तरस आया, क्योंकि आज की तारीख में जो अपने आप को रियलिस्ट कहते हैं बेचारे वही रह जाते हैं।
बाकी सब निकल जाते हैं, बाकी सब सफल हो जाते हैं। ये जो वो कह रही है ना मैं रियलिस्ट हूं, ये वो रियलिस्ट नहीं है, ये कॉलोनियलाइजेशन का अभी तक उस पर प्रभाव है। क्योंकि गोरे ये सिखा करके गए थे, जब भारत गुलाम था ना तो हमें सिखाया गया था, जब हमने कहा कि हम तो सप्तऋषियों की संतान है, हमें सिखाया मालिकों ने, ए तुम कुछ नहीं हो, बी अ रियलिस्ट, कोई सप्तऋषि की संतान नहीं हो तुम। फिर हमने कहा सप्तऋषियों को, हमारे पास सनातन है, वेद है, सुश्रुत संहिता है, हमारे पास गणित है। फिर हमें सिखाया गया कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ये सब कहानियां हैं। यू आर बी अ रियलिस्ट, बी अ रियलिस्ट, एक हाथ में तुम्हारे पोछा है, एक हाथ में झाड़ू, बी अ रियलिस्ट। 200 साल तक हमारे भीतर ये बात ठूसी गई, बी अ रियलिस्ट, बी अ रियलिस्ट, सपने देखना बंद कर दो। कितने साल हो गए हमें मुक्त हुए, हमारे देश को आजादी मिले, लेकिन दिमाग अभी तक गुलाम रह गया। और जो आदमी कहता है आई एम अ रियलिस्ट, वो केवल इतना कह रहा है कि मैं सपने नहीं देखूंगा। और जो व्यक्ति सपने नहीं देखेगा उसके सपने साकार कैसे होंगे?